हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके साथ मेहंदी की लाइन डिज़ाइन और कर्व डिज़ाइन जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। आज जो फेमस डिज़ाइन है इसे अम्बी डिज़ाइन के नाम से जो है जाना जाता है, और इसमें आप किसी भी तरीके से अगर आपको लाइन को मूव करना आ गया है तो आप कोई भी किसी तरीके का डिज़ाइन जो है बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो कल की वीडियो में है कर्व डिज़ाइन शुरू किया था, तो इसी तरीके से है ना, आप छोटा सा एक गोला बनाइए और उसको कर्व करते रहिए। और यहाँ पर तो मैं आपको नोटबुक पर बड़ी अम्बी दिखा रही हूँ, ऑलमोस्ट हाथों पे ये छोटी छोटी बनती है, तो ये वाला डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट उसमें आ जाता है। मान भी लिया जाए अगर आप बड़ी अम्बी बना रहे हैं, तो इस तरीके से पहले आप कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरीके से सर्कल में लीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर लंबे हाथ हैं तो फूलों वाले डिज़ाइन लीजिए ताकि उनके हाथ जो है खिले खिले लगें। अगर थोड़े से चौड़े डिज़ाइन हैं तो आप लाइनों के जो है ना लंबे पत्तियों वाले इस तरीके से डिज़ाइन लें, तो उनके हाथ जो हैं वो निखर के आते हैं। ये चीज़ शायद मुझे लगता है एक प्रोफेशनल के अलावा बहुत कम लोग होते हैं जो ये ध्यान रखते हैं। देखिए, इस तरीके से अम्बी बड़ी थी तो मैंने बीच में पार्टीशन करके यहाँ पर मैंने स्केच पेन का यूज़ किया है, क्योंकि स्केच पेन की जितनी लाइन मोटी है ना, इतनी ही साइज़ की जो है हमारी मेहंदी की आती है, तो इसलिए आज मैंने जो है स्केच पेन का भी यूज़ किया। इस तरीके से दो सेक्शन हो गए। और अब देखिए, ऊपर वाली अम्बी है, इसे तो या तो आप मेहंदी से हाफ फिल कर लीजिए, यहाँ पर आप या तो सीधी जिस तरीके से कर्व लाइन है, जो शेप आ रही है अम्बी की, उस शेप में ले लीजिए, या देखिए जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है। आइए आगे भी एक और राधिश अम्बी जो अम्मी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरीके से कर्व बनाते हुए ना सर्कल ओवल शेप की तरफ हम जाएंगे और इस तरीके से ऊपर सर्कल ले आएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बाहर की तरफ से अम्मी ली जो ऊपर उसका फेस लिया था, यहाँ पर मैं जो है उसके अंदर ले लूँगी। अब जो मोटी और पतली लाइन, एक और चीज़ है, अम्बी जब भी आप बनाएं इसकी डबल लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है उसको डबल करिए, इससे क्या होता है डिज़ाइन जो है निखर के आता है। अब जैसे देखिए मैंने आपको कलर ये फिल करके बताया है इस तरीके से। अब यहाँ पर एक डॉट लगाइए, डबल लाइनें इसके ऊपर डाल दीजिए, और यही मैं अब जो है आपको स्केच पेन से करके बताऊँगी, क्योंकि वो जो मोटाई है मेहंदी की आपको वो आइडिया आ जाएगा कि ये कितनी अच्छी लगती है। इस तरीके से सिंपल सिंपल डिज़ाइन ही जो है इफ़ेक्टिव हो जाते हैं। और एक बार आप बिलीव कीजिए, एक बार ये शुरू करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आपकी, चाहे वो कुकिंग है, हेयर स्टाइलिंग है, नेल आर्टिंग है, या जो भी आप प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको नहीं निखर के आता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए थोड़ा बहुत मैं विदाउट रेज़र जो है यूज़ कर लेती हूँ, और हमारे घर में मेरे मम्मा और मेरे मामी जो है वो मेहंदी लगाया करते थे, बच्चों को ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं, उनको ज़्यादा सीखने में एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो देखिए इस तरीके से ये पूरी ही अम्बी में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने लाइनों की हेल्प भी ली है, साथ में जिसको हम कोमा डिज़ाइन बोलते हैं वो लिया है, इनको हम कलियाँ भी बोलते हैं, जैसे साइड में है ना अलग से लेते हैं बॉर्डर डिज़ाइन के ऊपर। तो इस तरीके से आप अम्बियों का डिज़ाइन जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मुझे प्लीज़ ग्रॉप करने में मेरी हेल्प।